सो हेलो फ्रेंड्स, मैं यही बोलने वाला हूँ इस वीडियो में कि कोई भी अगर सीयू का नोटिस पीडीएफ वाला नोटिस कहीं भी शेयर होता है तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आप लोग को तो सीयू का वेबसाइट में मिल ही जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लेना। ब्लाइंडली बहुत जन ट्रस्ट कर रहे हैं और न्यूज़ को इतना फैला रहे हैं, कितना फेक न्यूज़ फैल रहा है कि हाँ एग्जाम जो होगा ब्लेंडेड मोड में होगा, ये होगा वगैरह होगा, उस एब्सोल्युटली फेक है। बस जैसे कि आपको अभी वीडियो चला रहा हूँ और सब साफ साफ देख पाओगे, जैसे कि एक वीडियो यही वायरल हो रहा है टाइप का कि वो रीशेड्यूल में क्लिक कर रहा है, जो कि रीशेड्यूल का तो नोटिस आया था आपको पता है, आज रीशेड्यूल का क्लिक कर रहा है और अचानक ब्लेंडेड मोड वाला नोटिस खुल रहा है, पूरा ब्लेंडेड मोड वाला नोटिस खुल रहा है। कैसे हो सकता है ये, आप ही बताइए कैसे हो सकता है कि नोटिस खोल रहा है रीशेड्यूल वाला, जो कि आज आया रीशेड्यूल हुआ है कुछ कुछ एग्ज़ाम, तो आप ब्लेंडेड मोड वाला कैसे नोटिस खोल जाएगा? वहाँ पर साफ साफ नोटिस का तो हेडिंग में लिखा होगा कि यूनिवर्सिटी का मोड चेंज हो गया, ये हो गया हो गया, यहाँ पर आपका रीशेड्यूल खोल रहा है, रीशेड्यूल वाला नोटिस खोल के आपका ब्लेंडेड मोड वाला नोटिस आ जाता है। ये तो ऑलमोस्ट फेक है ना, तो आप कभी भी ट्रस्ट मत करिए ये सब चीज़ में एडिट करने का, क्योंकि ऐसा अभी ऐसा एक टॉपिक बन गया ना ये वाला न्यूज़ कि कोई भी कुछ एडिट भी कर देगा ना तो सब लोग देखेंगे। उतना ट्रस्ट मत करना, सीयू का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, वेबसाइट पर आएगा तभी ट्रस्ट करना, नहीं तो न्यूज़ में आएगा तभी ट्रस्ट करना, न्यूज़पेपर में आएगा तभी ट्रस्ट करना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।